सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब के सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके सीधे कान में अजान पड़ी जाती है और उसके दूसरे कान में अकामत पड़ी जाती है, और जब किसी मोमिन का इंतकाल होता है तो ना अजान होती है ना अकामत होती है, बल्कि सीधा नमाज जनाजा पढ़ी जाती है। हालांकि फिकही मसले की रूह से अजान का नमाज जनाजा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सूफियाए किराम इस अजान के फलसफे को यूं वाजे करते हैं कि इंसान जब पैदा हो तो उसके कान में अजान भी हो, उसके कान में अकामत भी हो, और जब वो मर जाए तो ना अजान हो ना अकामत हो, डायरेक्ट जमात की जाती है, सीधा नमाज पढ़ी जाती है। तो गोया के क्या पैगाम मिल रहा है, बंदे अकामत करके तेरे कान में तुझे आगाह किया जाता है कि तेरी अजान भी हो चुकी है, तेरी अकामत भी हो चुकी है, अब तेरी जमात खड़ी होने वाली है नमाज जनाजा की। तो अकामत और नमाज के दरमियान जितना वक्त होता है बंदे, बस इतनी ही तेरी जिंदगी है। तू सोच रहा है कि मैं 70 साल का, मैं 80 साल का, मैं 100 साल का, लेकिन हकीकत यह है हमारी और आपकी जिंदगी का वक्फा इतना है जितना कि अकामत और जमात के दरमियान होता है। अब इतना थोड़ा सा वक्फा गोया कि हमें और आपको अता किया गया, अगर थोड़ी देर के लिए हम गौर करें, हम अंदाजा लगाएं, तो हमें पता चलेगा कोई 30 साल का हो गया। आप बताएं कि 30 साल कैसे गुजरे, जैसे सुबह से शाम हो गई। कोई 50 साल का हो गया, 50 साल कैसे गुजरे, जैसे सुबह से शाम हो गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतनी मुख्तसर सी जिंदगी लाने वाला इंसान, इतनी कम जिंदगी लाने वाला इंसान, आखिर इंसान को अल्लाह ने फरमाया कि मौत को और जिंदगी को पैदा करके हमने तुमसे इम्तिहान लिया है, थोड़ा सा जिंदगी का वक्फा हासिल करके कौन अच्छा अमल करता है। लेकिन अगर अच्छे अमाल की बात की जाए तो हमारी जिंदगी के अंदर अच्छे अमाल नजर ही नहीं आते। हमारी कैफियत ये है, हमें बुरे अमाल की तरफ तवज्जो ज्यादा है, गुनाहों की तरफ तवज्जो ज्यादा है, बुराइयों की तरफ तवज्जो ज्यादा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो करें, हमें आखिरत की पहली मंजिल कब्र के हवाले से गौर करना चाहिए, कब्र के हवाले से सोचना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कब्र क्या है, कब्र की वादी क्या है, कब्र की तारीकी क्या है, कब्र का भयानकपन क्या है, कब्र कैसी खौफनाक है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ ले गए तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल, अगर कब्र में आ जाए तो कब्र रोशन हो जाती है, कब्र मुनव्वर हो जाती है, उनके रुखे अनवर की तजल्ली से कब्रें मुनव्वर होती है। मगर वो रसूल आजम तालीम उम्मत के लिए कब्र को देखकर आंसू बहाते हैं और रोते हैं। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कब्रों को देखकर रो रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहां पर कोई बंदा कामयाब हो जाएगा तो फिर वह आखिरत में कामयाब हो जाएगा, और यहां पर नाकाम हो जाएगा तो फिर उसकी नाकामी होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जब भी कब्र का जिक्र सुनते, कब्र का जिक्र सुनने के बाद बेचैन और बेकरार हो जाते, जारो जार रोने लगते, जारो कतार रोने लगते। कोई पूछता, ऐ सैयदना उस्मान गनी, आप ये, आप जहन्नम का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते, आप कयामत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते जितना आप कब्र का जिक्र सुन करके रोते हैं। सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया, कब्र का जिक्र सुनकर रोने की कसरत से वजह यह है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर यहां पर इंसान कामयाब हो गया तो फिर वो आखिरत में कामयाब हो गया। लेकिन अल्लाह अकबर, कब्र में कामयाब होना कोई बच्चों का खेल तो नहीं, कोई आसान काम तो नहीं। कब्र किसे कहते हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों,
फरमाया गया कब्र दिन में 36 मर्तबा इंसानों को पुकार पुकार कर कहती है, मैं अंधेरे का घर हूं, मैं तारीकी की का घर हूं, और मेरे अंदर सांप और बिच्छू है, मेरे अंदर तारीकी है, मेरे अंदर अंधेरा है। ऐ अकड़ कर चलने वाले बंदो, मेरे लिए तैयारी कर लो, मुझे संवार लो, मुझे सजा लो। कितनी अफसोस की बात है, इंसान को जहां रहना नहीं वहां के लिए एसी का इंतजाम, जहां हमेशा नहीं रहना वहां पंखों का इंतजाम, जहां हमेशा नहीं रहना वहां एक से एक सोफे बनाए जा रहे हैं, एक से एक पलंग बनाए जा रहे हैं, नर्म नर्म गद्दे लाए जा रहे हैं। मेरे आका अली सलाम के प्यारे दीवानों, इंसान दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रहेगा? 100 साल, 80 साल, 90 साल। लेकिन जिस कब्र में हमें सैकड़ों साल सोना है, उस कब्र की हमने तैयारी क्या की है?